हाय गाइस, दिस इज जेयर एंड यू आर वाचिंग वर्केट और जॉबरफुल। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है कोई जॉब के रिगार्डिंग नहीं है, और ये वीडियो जो मैं लेके आया हूँ कुछ अलग तरीके से। मतलब ये वीडियो डालने का मेरा कोई मोटिव नहीं था, लेकिन कल का सिचुएशन कुछ ऐसा हुआ कि मैं बता नहीं सकता था। एक्चुअल में हुआ ये कि कल कोई बंदा मेरे पास वीडियो कॉल कर रहा था कंटिन्यूसली, और वीडियो कॉल करके ये जानने की कोशिश कर रहा था कि मैं रियल हूँ या फेक हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो है रियल प्लेटफॉर्म है। हम जो है दूसरों की तरह फेक वीडियो नहीं डालते हैं। दिन में तीन तीन वीडियो, चार चार वीडियो अपलोड कर देते हैं। यहाँ आइए, ये जमा कराइए, ज्वाइनिंग फीस जमा करिए, ज्वाइनिंग फॉर्म जो है आप भरिए और आपको काम मिलेगा, 18,000 सैलरी, खाना पीना, रूम, दोस्तों, 18,000, 20,000, 17,000 सैलरी देके अगर कोई खाना पीना देगा, चांस ही नहीं है। हाँ, जिस कंपनी को जरूरत रहेगी कैंडिडेट की ना, वो जो है आपको 18 नहीं 20-25 हज़ार लेके भी बुला लेगी, एक महीना काम करवाएगी, और जब पेमेंट देने की बारी आएगी ना, तब पता चलेगा कि आपका रियल पेमेंट कितना देती है वो। 18,000 खाना पीना रूम पॉसिबल ही नहीं है। एक्चुअल हम लोगों के साथ ये किस्सा हुआ ये था कि तीन दिन पहले ही कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आया था यहीं पर जिगनी में ही। उस बंदे ने बाकायदा हम लोगों की कंपनी के साथ अग्रीमेंट किया था कि सर 15,000 रुपये कैंडिडेट को मिलेगा, खाना पीना रूम मिलेगा, तीनों टाइम अच्छा खाना मिलेगा, रूम फैसिलिटी अच्छी रहेगी, प्लस ओटी मिलेगी। हम लोगों ने अग्रीमेंट करके 10-10 बंदों की टीम, तीन टीम रेडी करके भेजने के लिए मंडे को जा रहे थे, जस्ट आज ही उसको भेज रहे थे तीनों टीमों को, 30 लड़के को। फिर सडनली जो है हम लोगों के पास कल एक मैसेज आता है कि नहीं सर, हम लोगों को दूसरी कंपनी मिल गई है। रीज़न कि हम लोगों ने तीन बंदा जो है पहले भेजा था उनके पास, सैटरडे को, शनिवार को तीन बंदा जस्ट सैंपल के लिए ऐसे ही भेजा था, तो वो उन लोगों को बोल रहे हैं कि भाई हम लोग 8,000 देंगे और खाना पीना रूम देंगे। फिर जब हम लोगों की कंपनी का नाम बताया तो उन्होंने जो है उन लड़कों को वहाँ से भगा दिया, बोला यहाँ जॉब नहीं है। फिर हम लोगों ने बात किया तो पता चला कि सर ऐसा नहीं है, बाई मिस्टेक किसी ने ऐसा कर दिया है, हम लोगों से मिस्टेक हो गई है, हम लोगों के पास कोई दूसरी कंपनी आ गई है जो बंदे अरेंज करके देगी। तो फ्रेंड्स, ये दूसरी कंपनी कौन सी रहती है? वही रहती है जो आप लोगों से पेमेंट लेती है। हम लोगों का ऐसा नहीं है, हम लोग कंपनी से पेमेंट लेते हैं। यस, हम लोग कैंडिडेट से पैसा नहीं लेते हैं, हम लोग कंपनी से पेमेंट लेते हैं कि आपका काम आसान हो जाए। कंपनी वाले का काम आसान कर देते हैं हम लोग उनको कैंडिडेट मैन पावर सप्लाई करते हैं ताकि वो इधर उधर ना भटके, उन लोगों को अच्छा मैन पावर मिले, उसके बदले हम लोगों को उनसे पैसा लेते हैं, चार्ज देते हैं, न कि लड़के लोगों से। लेकिन आजकल फेक इतने रहते हैं कि दिन भर वीडियो आपको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे भरे पड़े मिलेंगे, दिन दिन में चार चार वीडियो मिल जाएंगे। हम लोग ये दिलवाएंगे, हम लोग वो दिलवाएंगे, हम लोग 20,000 सैलरी देंगे, हम लोग वहाँ उस सेंटर में जो है जॉब दिलवाएंगे, बस 3,000 दे दीजिए। फ्रेंड्स, वो आपको एक ऐसे अंधेरे में धकेल रहे हैं जहां आपका फ्यूचर ही नहीं रहता है, जहां आपको पहले दिखाया कुछ और जाता है, बाद में दिया कुछ और जाता है। वैसी कंपनी जो है ऐसे ऐसे फैक्ट्रियों में घुस जाती है, क्योंकि उन लोगों को जो है आप लोग पेमेंट कर देते हैं तो फिर वो कंपनी वाले से क्यों लेंगे, और जब कंपनी वाला उसको पेमेंट नहीं देगा एजेंसी वालों को, तो वो क्या करेंगे, बंदे को आराम से जो है स्टार्टिंग में पहले महीने में जो 12,000 दे देंगे, खा पी के जो है सब कुछ कर देंगे, नेक्स्ट मंथ जो बारी आएगी तब देखा जाएगा। वही होता है, 18,000 बोल के लगा लिया जाता है, खाना पीना रूम दे के बुला लिया जाता है, फिर उनसे 12 घंटा की ड्यूटी करवाई जाती है, या फिर उनको अच्छी फैसिलिटी नहीं दी जाती है, या फिर पेमेंट के टाइम में जो है उनको जो है 9-10 हज़ार या 12,000 रुपये लास्ट 18 की जगह दे दिया जाता है। फिर वो बंदे क्या करता है, छोड़ भी नहीं सकता अपना सैलरी, और ड्यूटी भी नहीं छोड़ सकता, सडनली जाए तो कहाँ जाए। और जो जिस बंदे की मैं बात करने वाला था, जो कल मेरे पास वीडियो कॉल कर रहा था, ये जानने की कोशिश कर रहा था कि मैं रियल हूँ या फेक हूँ, जबकि कल हम लोग की छुट्टी थी, संडे के दिन वो बंदा मुझे कॉल कर रहा है। मतलब इतना मैं डिसपॉइंट हो गया कि मैं क्या बताऊं। फिर मैंने उस बंदे को पहले तो चिल्लाया मैं उसके ऊपर कि भाई मैं वीडियो कॉल करके क्या दिखाऊं तुमको, अपने घर में क्या दिखाऊं, क्या देखना चाहते हो। मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में अपना तीनों
ऑफिस का एड्रेस मेंशन किया है, तू आ जा, आराम से मीट करेंगे हम लोग। और जहाँ हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, जहाँ हम लोगों का काम चल रहा है, जहाँ हम लोगों के बंदे काम कर रहे हैं, तू चल मेरे साथ, मैं तुमको क्लियरली दिखाऊंगा कि रियल है या फेक है। क्योंकि हम लोगों का 80-80% जो है लोकल सपोर्ट मिल जाता है। लड़की लोग, हम लोगों का जो है प्रमोशन प्रमोटर का काम इतना चलता है कि उसमें ही टाइम नहीं मिल पाता। हम लोग सुबह से शाम तक जो उसका सेल्स देखना रहता है, फिर वो रिपोर्ट शाम को जो है क्लाइंट को भेजनी रहती है, उसका फिर मेल किया जाता है, फिर जो है 1 तारीख से लगाकर जो है 5 तारीख के बीच बंदे लोगों का जो पेमेंट रिलीज करना पड़ता है, उनके किन किन का अकाउंट है, क्या क्या प्रॉब्लम, उनका अटेंडेंस क्या है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स रहती है हम लोगों के पास। अब मैं उसको प्रूफ करने जाऊँ कि जो हम लोगों का ये एजेंसी या हम लोगों का ये वर्क या हम लोगों का जो है जॉब दिलवाने का ये फेक है या रियल है, भाई हम लोग आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं। जहाँ पैसा लिया जाता है वहाँ जाके आप इंक्वायरी कीजिए, और आना ही चाहते तो हम लोगों के ऑफिस आइए, जहाँ काम चल रहा है वहाँ चलिए, हम लोगों के साथ हम दिखाएंगे ना क्या रियल है या फेक है। जहाँ आप लोग पैसा दे के ऐसे ही आंख बंद करके घुस जाते हैं ना, वहाँ आप लोग इंक्वायरी नहीं करते हैं। या तो फ्री का जॉब है यार, मैंने आपसे पैसा थोड़ी लिया है जो आप इनकारी करने आते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं माफ़ी चाहूँगा उस बंदे से कि मैं गुस्से में शायद उसको कुछ बोल दिया, हालांकि मैंने गाली नहीं बोला उसको, हाँ मैं गुस्से में कुछ बोल दिया, लेकिन फ़ोन कर आफ्टर 5 या 10 मिनट के बाद उसको जो है फ़ोन करके अच्छे से समझाया हूँ, और मुझे अच्छे से वो जो है हैंडल भी किया, अच्छे से वो बात भी किया मेरे साथ। तो गाइज इसका इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए, आना चाहते तो आप ऑफिस आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, और कभी भी जो है फेक जॉब के मामले में नहीं पड़े। कोई बोलेगा कि मैं आपका लाइफ बना दूंगा, मैं आप कोई बोलेगा कि मैं आपका ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ये सब जो होता है ना, वो हिंदी वाले लोगों के साथ ही होता है, जो बाहर से बेचारे आते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, 10वीं 12वीं पढ़ ले, उन लोगों के साथ ही होता है। यहाँ लोकल वाला कोई बता दे कि मैं पेमेंट किया हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, नहीं होता। लोकल वाला बंदा कोई भी इनके झांसे में नहीं फंसता है, सबको पता है काम मिल जाता है इजीली। ये सब हिंदी वाले लड़कों लोगों के साथ ही किया जाता है। आइए फॉर्म भरिए, ज्वाइनिंग फीस दीजिए, जाइए आप जो करना कीजिए, फिर जो है काम छोड़िए, आइए ज्वाइनिंग फीस भरिए, काम पे लगिए, यही होता है। अगर मान लो एक दिन में 30 बंदा उनके पास आ गया, और 30 में से मान लो 10 ज्वाइन होता है, तो 3,000 रुपए के हिसाब से मान के चले, 10 बंदे का 30,000 रुपये एक दिन का होता है, पता है आपको, एक दिन का 30,000 वो एजेंसी वाले, वो कंपनी वाले आपसे कमाते हैं। क्यों देते हो यार पैसा, मैं बोलता हूँ क्यों देते हो? फ्री का जो बहुत सारा मिलता है यार, नहीं मिलता 2 दिन घर में बैठिए ना, अपनी नियर बाई लोकेशन में देखिए, 3-3 हज़ार रुपये आप देख के आ रहे हैं, 3-4 महीना काम करेंगे, काम सूट नहीं होगा, आपको सैलरी प्रॉपर मिलेगा नहीं, आप छोड़ देंगे कुछ एक्स वाई रीजन की वजह से, फिर उसी कंपनी में जाएंगे मुंह मारने के लिए 3,000 रुपये देने के लिए। अगर आप 3,000 रुपये देते हैं तो उस कंपनी को बोलिए, सर मैं 3,000 रुपये दे रहा हूँ, ये काम मुझे 5 साल तक चाहिए, करवाएगी नहीं करवाएगी, 3 महीना 4 महीने के बाद बोलेगी वापस ला भाई तो अपना ज्वाइनिंग फीस, पता है मुझे, क्योंकि उनका घर बंद हो जाएगा, उनका चूल्हा बंद हो जाएगा, भूखे मरने लगेंगे वो। सही है, ये रियल है, ये चीज रियल है, और रियल को कोई नहीं समझता, दिखावा चलता है। यूट्यूब पे 10-10 वीडियो चढ़ा देते हैं, क्या हमारी कंपनी ये है, हमारी कंपनी वो है, हम आपको ये दिलवाएंगे, हम आपको वो दिलवाएंगे। मेरे भाई मेरे पास वो सब नहीं है, मेरे पास रियल काम है और सही है। अगर मेरे पास काम है तो है, नहीं है तो नहीं है, क्लियर कट बात है मेरे, हम लोगों के पास, हम लोगों के पास जो सैलरी बोला जाता है वो सैलरी दिया जाता है, उससे ज़्यादा ही दिया जाता है। मैं काफ़ी वीडियो में जो इंसेंटिव मेंशन नहीं करता हूँ, लेकिन हम लोगों के जितना भी जॉब आता है उनमें एक्स्ट्रा इंसेंटिव रहता है, अगर आप करते हैं तो उसको कंपनी आपको जो है एक्स्ट्रा इंसेंटिव देती है, वो मैं मेंशन नहीं करता हूँ, ताकि जब बंदे का सैलरी आता है वो खुशी से बोले कि सर आपने तो कम बताया था, हम लोगों के पास ज़्यादा आ गया। तो ये रहता है, ऐसा नहीं कि जो है 18,000 बता दिया और जो है यूट्यूब पर पोस्टर लगा दिया, 20,000 खाना पीना, आइए क्या यार 20,000 और खाना पीना, कंपनी को क्या पागल समझा है क्या, जो एक बंदे का 20,000 और खाना पीना देगी, खाना पीना रूम और 20,000, समझते हो कि उसका बजट कितना चला जाता है, 25,000 30,000। जब वो 25,000 30,000 दे के कंपनी अनपढ़ को रखेगी तो क्यों नहीं एक पढ़ा लिखा ला के डाल देगी, समझिए इस बात को कम से कम। मेरा गुस्सा इस चीज से नहीं है,
मेरा गुस्सा उस कंपनी पे भी था जो कल परसों जो है नौटंकी कर रही थी, नाटक कर रही थी, क्योंकि उसमें कोई दूसरा बंदा, दूसरी कंपनी वाला आके घुस गया बिना चार्ज का। सर हम लोग आपसे चार्ज नहीं लेंगे, हम लोग आपको बंदा लड़के लोग ला के देंगे। पता है वो पेमेंट कहाँ से आएगा, वो आप लोगों से ही लेगा, लड़के लोगों से लेते वो लोग पेमेंट, हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग कंपनी से चार्ज करते हैं। भाई तुमको का बंदे चाहिए ना, तुम लोगों का मैन पावर चाहिए ना, हम लोग सप्लाई करेंगे, हम लोग देंगे उसका कुछ चार्ज देता, ताकि तुमको इधर उधर भागना ना पड़े, तुमको इधर उधर फोन लगाना ना पड़े, तुमको जो वो दूसरी टेंशन ना हो, तुम अपना फोकस अपने काम में लगाओ, तुम अपना फोकस अपनी फैक्ट्री में लगाओ। हम कंपनी को ये बोल के देते हैं, और बाकायदा हम लोगों की कंपनी से, दूसरे कंपनी से अग्रीमेंट रहता है, जितना बोला जाता है, जिस टाइम पे सैलरी बोली जाती है, जितना सैलरी बोला जाता है, क्या क्या फैसिलिटी दी जाता है, पूरा का पूरा उस अग्रीमेंट में मेंशन रहता है, तभी जाके हम लोग वो प्रोसेस कर पाते हैं। तो गाइस मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस इसी चीज़ को जो है अवेयरनेस कर रहा हूँ कि बस बचें, उन फेक लोगों से बचें, उन फेक वीडियो से बचें, उन फेक एजेंसियों से बचें जो आपका पैसा खा रही है। अगर आप रियल में काम करना चाहते हैं तो जहां आप पैसा दे रहे हो उस बंदे को इतना ही बताइए कि भाई मैं पेमेंट दे रहा हूं, मुझे 5 साल तक की वैलिडिटी चाहिए, ये 5 साल तक वैधता रहेगी क्या? इस पुर्जे की जो आप दे रहे हो, पुर्जा इतना कागज का पुर्जा जो दे रहा है ना, उसकी वैलिडिटी 10 साल 5 साल है क्या? एक ही कंपनी में 5 साल जो है मैं कर पाऊंगा क्या? नहीं कर देंगे आपको, गारंटी ये नहीं देंगे क्या? अगर मैं सही हूं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिए कि मैं सही हूं या गलत हूं। एनीवे गाइस, और मेरा ये वीडियो देने का कुछ भी मतलब नहीं था अपने इस चैनल पे, लेकिन कुछ माइंडली डिस्टर्ब हो गया था परसों क्लाइंट की वजह से, कल एक लड़ दो तीन लड़कों की वजह से, सो जो वीडियो कल कॉल कर करके हम लोगों से जो है बात करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं रियल हूँ या फेक हूँ। भाई मैंने ऑलरेडी रिसेप्शन में जो है अपना ऑफिस का एड्रेस दिया है, आप आराम से आ जाओ, विजिट करो, बैठो, चाय पानी पियेंगे, हम लोगों का कहाँ काम चल रहा है, मैं वहाँ आपको लेके जाऊँगा, दिखाऊँगा कि कैसा है, आपको पता चल जाएगा, पैसा नहीं है, फ्री में है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो बचे फ्रॉड से, जो ये फ्रॉड का धंधा कर रहे हैं उनसे बचें। आजकल बहुत सारे ऐसे पोर्टल हैं जो फ्री का जॉब प्रोवाइड करवाते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं ही सच हूँ, अदर्श भी सच है, दूसरे लोग भी सच हैं, लेकिन वो कितना सच है, कितनी सच्चाई है उसमें, आप एक बार ज्वाइन होइए तब पता चलता है कि आपसे 3-3, 10-10 हज़ार रुपए का चार्ज लिया जाता है और कुएं में धकेल दिया जाता है कि आगे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, जो बोल रहे हैं वो रियल मिलेगा नहीं या नहीं मिलेगा, जो आप वो बता रहे हैं वो सही मिलेगा या नहीं मिलेगा, 1 महीना मिलेगा, दूसरे महीने वो क्या सैलरी देगा, क्या पता है आपको? नहीं पता है। एनीवे गाइस, मैं आपसे कुछ ज़्यादा टाइम ले लिया हूँ, सॉरी उसके लिए, उस भाई के लिए भी सॉरी जो कल, उसके लिए मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था, हालांकि मैं उसको बाद में जो मना लिया था और बातचीत हो गई थी। तो फ्रेंड्स नया जॉब का वीडियो लेके जल्दी हाजिर हो गए आपके सामने, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जरूर कीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।